खाली आम लोगों के बीच में आज किसी ने एक कुत्ता ले जाकर के कंफ्यूजन पैदा कर दिया। राजेश राय नाम के व्यक्ति पकड़े गए हैं कुत्ता के साथ। वो जाके गांव में कंफ्यूजन पैदा कर दिए कि हम पुलिस के तरफ से, कोई बोल रहा है कि सीबीआई के तरफ से या सीआईडी के तरफ से जांच करने के लिए आए हैं कुत्ता लेकर के। और उस कुत्ता को लेकर के वो एक व्यक्ति, एक बच्चा है जो 12 साल का है लगभग, उसका अमन कुमार नाम है बूढ़ी का, कुत्ता जाकर के उसी को सूंघ लिया, जिसको लेकर के लोगों के दिल में कंफ्यूजन हुआ कि इस घटना में इन्हीं का हाथ है, इस पर लोग उसको पिटाई करने लगे। राजेश राय को पुलिस गिरफ्तार करके ले आया है। वो कुत्ता एक देसी कुत्ता है, लावारिस कुत्ता, उसको भी पुलिस लेके आया है। और जो अमन है उनको, उनका इलाज कराया गया है, उनको हल्की चोटें आई है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं आम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, इस तरह के किसी भी अफवाह में नहीं पड़े। मैटर का कल पूरी तरह से उद्भेदन हो चुका है। कल डॉक्टर की टीम गठित करके इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इनकी हत्या नहीं हुई है, बल्कि ये ड्रॉनिंग का केस है, ये डूबने के चलते इनकी डेथ हुई है। और जो इंजुरी पाया गया है आंख के पास और मुंह के पास, उस इंजुरी के बारे में भी डॉक्टर बिल्कुल स्पष्ट किए हैं कि कोई भी इंजुरी एंटीमार्टम नहीं है, ये सारे इंजुरी पोस्टमार्टम है, मैंने मरने के बाद ये इंजुरी जलीय जंतुओं के द्वारा कारित की गई, जिसमें डॉक्टर के द्वारा अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये बातें लिखी गई है। इसीलिए कोई किसी के बहकावे में नहीं आए, और ऐसे जो भी शरारत करेंगे उन पर कानून अपना कार्रवाई करेगी और उनके विरुद्ध में निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की गई। सरोकार गोड्डा के बारे में हमें सूचना मिली और एक पत्रकार के माध्यम से ही सूचना मिली कि उसमें सुदर्शन मंडल नाम का एक व्यक्ति जो है वो आपत्तिजनक पोस्ट किया है, और वो बोला है कि इस घटना के बारे में मुझे पूरी जानकारी है और ये हत्या ही हुई है। उस व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से अगर सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक बातें फैलाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, या सोशल मीडिया से अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, किसी तरह की पब्लिक अनरेस्ट होगा, तो निश्चित रूप से वैसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई नियम संगत की जाएगी। गोजा में रहने के बावजूद उसको जरूर लिखिएगा, रात दिन दो रात जगा रहा और मेहनत करके पकड़ा। और 500 रुपया रिवार्ड की है। आज किस विषय पे सम्मान? आज पिछले माह में जिले में जो कुछ घटनाएं घटी थी, डकैती और लूट की, इन घटनाओं का त्वरित उद्भेदन करते हुए हमारे जिन अफसरों के द्वारा अच्छा काज किया गया, कांडों के उद्भेदन में जिन हमारे डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारियों का अहम योगदान रहा है, वैसे सारे अफसरों को जिनको पुरस्कार दिया जा सकता था पुरस्कार दिया गया है और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है, ताकि पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे और आगे भी जो अच्छे कर्म करनी है, अच्छे कार्य करने वाले हैं, उनको भी प्रोत्साहित।